कहीं जिन्ना की बात हो रही है तो कहीं भ्रष्टाचार का शोर सुनाई दे रहा है। मुद्दे जो होने चाहिए थे वो है रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। बात होनी चाहिए थी भारत के नव निर्माण की, आज बात हो रही है जिन्ना की, हिंदू मुसलमान की। बात पर्यटन पे होनी चाहिए थी, बात रेवेन्यू पे होनी चाहिए थी, कैसे देश का रेवेन्यू बढ़े। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद यही है कि जनता की आवाज हम उठाएं। नमस्कार, मैं हूं हरीश असवाल। आज आप देख रहे हैं आवाज प्रोग्राम। 3-4 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। कहीं जिन्ना की बात हो रही है तो कहीं भ्रष्टाचार का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं छूट रहे हैं। आज आवाज प्रोग्राम के अपने खास शो में हम जनता के जनप्रतिनिधियों से वही सवाल पूछेंगे और जनता की वो आवाज उठाएंगे जो आज के इस दौर में किसी को सुनाई नहीं दे रही है। मुद्दे जो होने चाहिए थे वो है रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बच्चों के विकास के लिए बात होनी चाहिए थी। बात होनी चाहिए थी भारत के नव निर्माण की, लेकिन आज बात हो रही है जिन्ना की, हिंदू मुसलमान की, ब्राह्मणों की, जातियों की, आज जातियों के आधार पर बात की जाती है आरक्षण की, झूठे वादों की। मगर बात होनी चाहिए थी सत्ता पक्ष के रिपोर्ट कार्ड की, जिसमें उनके द्वारा कितनी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया, कितनी योजनाओं को सफलता मिली। बात इन पर होनी चाहिए थी, विपक्ष के सवाल भी इसी पर होने चाहिए थे, ताकि एक सही तुलना हो सके सत्ता पक्ष और विपक्ष में। मगर सब पार्टियां ध्यान दे रही हैं जातियों पर, उन बातों पर जिसमें किसी का भला नहीं होने वाला। राम रहीम, राम मंदिर, इन सब पर बातें, क्या इससे किसी के घर में रोटी आएगी? क्या इससे रोजगार मिलेगा? लेकिन बात हो रही है उन सब पर जिनसे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। बात पर्यटन पे होनी चाहिए थी, बात रेवेन्यू पे होनी चाहिए थी, कैसे देश का रेवेन्यू बढ़े। ना विपक्ष इस पर बात करता है, ना सत्ता पक्ष इस पर बात करता है। पहला दायित्व तो जो बनता था वो विपक्ष का बनता था, जो सवाल उठा सकती थी, मगर कहीं ना कहीं वो इन मुद्दों को भूल चुके हैं, ताकि उनसे कहीं उनको सत्ता में आ गए तो उनसे ना कोई पूछ बैठे। तो चलिए कुछ नेताओं के आपको पहले बयान दिखा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहे। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन जिन्ना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। अब हम आपको कुछ ऐसे वाक्य दिखाते हैं और बताते हैं जो देश को भटकाने और भड़काने का काम करते हैं। कुछ देश के ऐसे नेता हैं जो कुछ ऐसे धर्मगुरु जो उल जुलूल बातें करके देश को अलग ही राह पर ले जा रहे हैं। इस प्रकार कुछ नेताओं को भी दिखाएं जो जाति विशेष पर फोकस करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए पहले आपको इन लोगों की बातों को सुनाते हैं। देश की आजादी में गांधी जी का रोल रहा है। हाँ, गांधी जी का रोल रहा है। उनके साथ मुसलमानों का भी रोल था। नहीं तो सुनिए, गांधी जी का रोल क्या रहा है? गांधी एक अंग्रेजों का दलाल था, और गांधी न केवल अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व था, गांधी मुसलमानों का सेफ्टी वाल्व था। तरह की बातें कर रहे हैं, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ की बात कर रहे हैं आप, धर्म की बात। लड़की को जब बचाना है तो क्या लव जिहादियों से नहीं बचाना है? अब अब्दुल कलाम पे कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, अब्दुल कलाम तो एक बहुत बड़ा जिहादी था। ये आतंकवादियों का, अपराधियों का एक बहुत ही सुनियोजित गिरोह है, जिनका काम है केवल लूटमार करना, और इन्होंने दुनिया को ये दिया। उन्हीं में से एक था अब्दुल कलाम। मतलब आप हिंदुस्तान में रहोगे, तिरंगे को भी क्वेश्चन करोगे? मैं तो हिंदुस्तान को क्वेश्चन करता हूँ भाई, मैं भारत माता को क्वेश्चन करता हूँ। जी, अखिलेश यादव ने जिन्ना को जो है कि स्वतंत्रता सेनानी में जो है कि बोला,
तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। आजकल एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ न्यूज चैनल जिनका भला हो रहा है वो तो है गोदी मीडिया, जिनका भला नहीं हो रहा है वो है रोती मीडिया। अब गोदी मीडिया क्या है? जिनको कुछ सरकारी विज्ञापन मिल गए तो वो तो हो गए गोदी मीडिया। ये नाम किसने दिया? जिनको विज्ञापन नहीं मिले वो हो गए रोती मीडिया। असल में जो काम, असल में जो मीडिया का काम था, देश को बल देने का काम था, सच्चाई का काम था, वो सब भूलकर गोदी मीडिया, रोदी मीडिया, अपने देश को भला बुरा कहना और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने देश की बेइज्जती कराना, तो ये तो हो गया आजकल मीडिया का काम। क्या ये सही है? अपने घर को मजबूत करने की बात जहां होनी चाहिए थी, मेरा घर से मतलब देश को, ये मीडिया का काम था कि अपने देश को मजबूती देना। पर आजकल टीआरपी की दौड़ में जो भागने में लगे हैं ना, भूल चुके हैं, जिसके मन में जो आता है वही बोल जाता है। इसका उदाहरण भी जरा आप देख लीजिए। आपकी लंका लगाने का सुनियोजित इंतजाम सरकार ने नोटबंदी से कैसे किया? जो मोमेंटम है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में बना रहे और ये देखा भी गया है। ठाकुरदा उनको निकाल ही दिया, निखिल गोखले टाइप के लोग हैं, निखिल वागले, उनका शो ही बंद हो जाता है। जो जरा सा एडिटर बनने का कोशिश करता है वो कहाँ है एडिटर। तो इसीलिए ये गोदी मीडिया का काल है। लोगों को कहना चाहिए आप सरकार पसंद करो, मेरा उससे कोई समस्या नहीं है। दरअसल आज के समय में बात होनी चाहिए थी योग्यता की, पर आप पूछेंगे किसकी योग्यता की? योग्यता की बात होनी चाहिए थी उस कैंडिडेट की जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उसकी योग्यता की बात इसलिए होनी चाहिए थी कि हम उसके हाथ में अपने देश की बागडोर सौंपने लायक है कि नहीं, या फिर उलझुल बात कर वो फिर जातिवादी पर बात कर अपने वोट लेकर फिर सत्ता में बैठकर आपको वही बेरोजगारी पे, वही सड़कों पर छोड़कर चला जाएगा। बात होनी चाहिए थी आय दुगना करने की जो इन्होंने वादे किए थे, पर आय असल में किसकी दुगनी हो रही है वो भी देखिए। कोरोना संकट काल में पहले लॉकडाउन के बाद से एक साल के अंदर 12 केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्ति खरीदी। ये जानकारी खुद इन मंत्रियों ने ही प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। कोरोना के इस संकट काल में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी और रिपोर्ट है कि गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ी, लोगों की नौकरियां गई और आमदनी कम होने की लगातार खबरें आई। जिन मंत्रियों ने ये संपत्तियां खरीदी हैं, उनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और आयुष मंत्री सोनोवाल शामिल है। इसके साथ साथ संपत्ति खरीदने वालों में 9 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। पीएमओ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के हिसाब से पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन 12 मंत्रियों ने कुल मिलाकर 21 संपत्तियां खरीदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी घोषणा में दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार में 3,87,00,000 रुपए का अपार्टमेंट खरीदा। स्मृति ईरानी ने यूपी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 फरवरी 2021 को मैदान मवई गांव में 12,11,00,000 रुपए के मौजूदा मूल्य पर जमीन खरीदी। सोनोवाल ने इसी साल फरवरी में डिब्रूगढ़ में 3 संपत्तियां खरीदी जब वे असम के मुख्यमंत्री थे। इसके एक महीने के बाद चुनाव में जीत दर्ज कर असम में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी, लेकिन सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 जुलाई 2021 को सोनोवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग के साथ साथ आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। श्रीपाद यशो नायक, कृष्णपाल गुर्जर, साध्वी निरंजन ज्योति इस फहरिस्त में शुमार हैं। इन 9 राज्य मंत्रियों में से 6 वो हैं जिन्हें इस साल जुलाई में मंत्री बनाया गया,
भानु प्रताप सिंह वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, बीएल वर्मा, देवू सिंह चौहान, डॉक्टर महेंद्र और डॉक्टर एल मुर्गन। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 6,05,00,000 की संपत्ति को एक साल बाद ही करीब 4 गुना ज्यादा दाम पर बेचा। उनकी घोषणा से पता चलता है कि उन्होंने 2 फरवरी 2021 को पटना के शिवम अपार्टमेंट में अपना 650 वर्ग मीटर का फ्लैट 25 लाख रुपए में बेचा। पिछले साल घोषणा में उन्होंने संपत्ति की लागत 6,05,00,000 रुपए बताई थी। गिरिराज की पत्नी उमा सिन्हा ने अपनी एक संपत्ति झारखंड के देवघर में 1,087 वर्ग मीटर का घर 45 लाख रुपए में बेचा। पिछले साल सिंह की घोषणा में संपत्ति की लागत करीब 7 लाख रुपए बताई गई थी। इसके साथ ही अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनवान उद्योगपति बन गए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी करीब 7.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लगातार 10वें साल सबसे अमीर भारतीय बने। भारत में पिछले 12 महीनों में हर महीने 5 अरबपति बढ़ गए हैं। आपने देखा किसकी आय दुगनी हो रही है, तो इन नेताओं की आय तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या जनता की आय बढ़ी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वादे आय दुगनी करने के लिए ही किए गए थे। अब चलिए जनता से ही सुन लीजिए। आप अरशद जी, क्या आपको लगता है कि आप लोगों की जो आमदनी है बड़ी पिछले 5 सालों में? बहुत ज्यादा, करोड़पति हो गए। बड़ी है? कहाँ बड़ी, आपको आप यार कैसे बाइट ले रहे हैं? मतलब आपको नहीं पता कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जनता परेशान हो रही है, आप कह रहे बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी बताओ? कारण कोरोना चल रहा है भाई साहब, आमदनी है नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही, कैसे बढ़ेगी कमाई? रोजगार नहीं है, परेशान है दुनिया जी। नहीं, आमदनी कुछ नहीं बढ़ी, और महंगाई, और महंगाई हो गई यार, उधर लॉकडाउन, उधर बीमारी, अब क्या करेंगे उसमें? क्या महंगाई महंगाई में क्या आमदनी, जो अगर थोड़ी बहुत बढ़ती भी है तो उसमें क्या होता है? ये देखो ना, हर चीज़ पर महंगाई होगी। नेताओं की बढ़ती है, नेताओं की तो बढ़ती रहती है। नेताओं का क्या है, नेताओं तो इंडिया का ना उनका को निकाल लेते हैं अपना, नेताओं की क्या वो दिक्कत है इसमें? हाँ बड़ी महंगाई ज़्यादा हो गई भाई जी, क्या करें, सब्जी महंगी, हर चीज़ महंगा, तेल रिफंड सब महंगा ही है। क्या करते हैं आप? पासपोर्ट की दुकान है जी। आते हैं कहते हैं हमारे रेट कम है तो थोड़ा बच नहीं पाता, ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदना पड़ता है, पैसे लगते हैं इसमें। सब्जियों के रेट बढ़े हर चीज़ में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास रोज़गार ही नहीं है तो आमदनी कैसे बढ़ेगी। और जब से कोविड आया उसके बाद तो और स्थितियाँ बुरी हो गई हैं। कोविड के बाद हमारी नौकरी चली गई, फिलहाल तो मैं नौकरी के लिए और मेरे घर वाले भी नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। कमाने वाला इस वक्त कोई नहीं है और महंगाई आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास अब रोज़गार की है, ना कि महंगाई की या फिर आमदनी की, क्योंकि नेताओं के पास काम होता नहीं है। जब वो नॉमिनेशन अपना फाइल करते हैं तब वो इधर उधर से फंड लेकर या अपनी पूरी प्रॉपर्टी लाके अपना नॉमिनेशन भर देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो मंत्री या विधायक बनते हैं उस बाद में जो उनके पास पैसा है वो तो उनके पास ये कह सकते हैं कि छप्पर फाड़ के आता है, उनके पास काम नहीं होता है। लोग परेशान होते हैं, वो नौकरी के लिए परेशान होते हैं, लेकिन नेता कभी परेशान नहीं होता और उनकी जो आमदनी है वो हमेशा बढ़ती रहती है। उत्तर प्रदेश इस वक्त सियासी हवा बह रही है और इस सियासी लड़ाई का क्लाइमैक्स दरअसल तब होगा जब मतपेटियां खुलेंगी। मतपेटियां खुलेंगी तब निर्णय होगा कि दरअसल सरकार में वापसी कौन कर रहा है या फिर जो सरकार में है वही पार्टी का सरकार की गोलबंदी के साथ जारी रहेगी। लेकिन एक सवाल, वो सवाल ये है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेता कहते हैं कि जनता की आमदनी दुगनी कर देंगे, जनता की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन जब चुनाव गुजर जाते हैं और एक और बार जब साइकिल कंप्लीट होने के बाद 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं तो पता लगता है, हलफनामे जब दायर होते हैं तो सामने आता है कि नेताओं की आमदनी दुगनी हो गई, जनता तो दरअसल जैसी थी उसी हालत में। ऐसे में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आमदनी दुगनी हुई या फिर नेताओं की आमदनी दुगनी हुई। मैं ये जानना चाह रहा था कि नेता जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि आमदनी दुगनी कर देंगे, आमदनी दुगनी कर देंगे, जनता की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन जब चुनाव दोबारा आ जाता है तो पूरी
साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोबारा जब चुनाव आता है तो पता लगता है कि आपकी तो आमदनी वही की वही रही या कम और हो गई, लेकिन नेताओं की आमदनी दरअसल कितनी है। एक्चुअली क्या है ना, पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल वादे कर पाते हैं, अगर वो वादों की रोटियां नहीं पकाएंगे तो जनता उनको वोट के रूप में देख के कैसे आपको परोसेगी। और प्लस जहाँ तक आमदनी की बात है तो पॉलिटिक्स एज लाइक एज अ बिजनेस, तो बिजनेस में कोई अपना नुकसान तो करना चाहता नहीं है, उनको केवल लोग में वादे करने आते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट होता ही है कि आप हैं मैं हूँ, हम लोगों को अपना खुद ही स्ट्रगल करना होता है और खुद ही कुछ सब कुछ करना होता है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, उनको केवल वोट बैंक और एक केवल राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति आती है जो मोस्टली सब लोग करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीति तो है दरअसल एक तरीके से बिजनेस मॉडल की तरह काम करती है और हर नेता यही चाहता है एक व्यापारी की तरह कि उसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता रहे। ऐसे में व्यापारी हमारे सामने आ गए हैं, ये दुकान है तो इस पर हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, आप व्यापार करते हैं? नहीं, सर्विस करते हैं। ये बताने की कोशिश करिएगा कि नेता जब है चुनाव आते हैं, आप एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने का दो तीन महीने में चुनाव जब आते हैं तो नेता कहते हैं कि जनता की आमदनी दुगनी कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और पांच साल बाद दोबारा शंखनाद होता है तो पता लगता है कि नेता की आमदनी दुगनी हो गई, जनता तो वही की वही है, जनता के चुनाव खत्म होने का क्या आमदनी खत्म हो जाती है, नेता की बढ़ जाती है, तो जनता कोई चीज समझ में क्यों नहीं आती। हर बरस हर पांच के बाद जो पांच वर्ष योजना है सरकार की, जब ये खत्म होती है, जो पूरी जो साइकिल है खत्म होती है, फिर वही बातें, जनता इनको समझ क्यों नहीं पा रही। जनता क्या समझे, वो सरकार की योजना है, वोट तो देना ही है, तो वोट लेने के लिए है। तो आप कह रहे हैं कि दावे जो है दरअसल झूठे हैं और आंकड़े तो सिर्फ फायदों में गुलाबी है ही है। ऐसे में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आमदनी वाला खेल है, ये जो आमदनी वाला फैक्टर है, इस पर क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नमस्कार, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? सेल्स का काम करते हैं। ये बताइए कि नेता भी जब चुनाव आते हैं तो काफी कुछ सेल करते हैं और सेल करते करते भाषणबाजी में ये सेल कर जाते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तब आमदनी दुगनी कर देंगे आम जनता की, लेकिन पांच वर्ष जब कंप्लीट होते हैं, पांच साल जब कंप्लीट होते हैं, दोबारा शंखनाद होता है चुनावों का, तो पता लगता है कि जनता तो वही की वही रही, ठन ठन गोपाल, नेताओं की आमदनी चार साल तक तो कोई नहीं पूछता है, चार साल के बाद एक साल का समय रह जाता है, तो एक साल के अंतराल में सभी पार्टियां आती हैं, अपने अपने मुद्दे रखती हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, समाज में ये परिवर्तन ला देंगे, ये अगर सभी लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा करते रहें तो शायद मेरी समझता किसी आवश्यकता पड़ेगी कि लास्ट में करना पड़ेगा, तो किसी ने भी सॉल्व किया तो मुद्दे तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। आपका क्या नाम होगा? अर्जुन जी, आप क्या काम करते हैं? सेल्स का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जानना चाह रहा था कि नेता जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि आमदनी दुगनी कर देंगे, जनता की आमदनी दुगनी कर देंगे, जब तक चुनाव खत्म होते हैं तब तक जो हलफनामा, जो कागजी कार्रवाई होती है चुनाव से पूर्व नामांकन दाखिल की, तब पता लगता है कि दाखिले में तो दरअसल ये दाखिल है कि पिछली बार से इस बार नेता जी की आमदनी दुगनी, इस पर क्या कहेंगे, ये जनता के साथ किस तरीके का या सपा हो या प्रसपा हो या बीजेपी हो, ये अगर जनता के हित में सोचेगी तो विपक्ष में कोई सगा बैठेगी नहीं, ऑलरेडी इनकी सगा बन जाएगी, सरकार बेरोजगारी तो बहुत है। क्या नाम है? अरविंद अली साहब, ये बताइए, हम एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, सर्वे सर्वे आपको, चुनाव सर पर है, जब भी चुनाव आते हैं तो नेता कहते हैं आप जनता की आमदनी दुगनी करते हैं, जनता का धन वैभव करते हैं, आर्थिक विकास करते हैं, चुनाव खत्म पाँच साल बाद फिर चुनाव, फिर नेता जब नामांकन भरने जाता है तो कागजों में दरअसल पता लगता है कि नेता जी की सैलरी कितनी हो गई, नेता जी की आमदनी कितनी हो गई, जनता तो वही क्यों हो रहा है, क्या है किसी आप विकास हो रहा है जो आप बता रहे, विकास कहाँ हो रहा है, विकास अगर नेता जी का विकास हो रहा है, नेता जी का ही विकास हो रहा है, क्यों मजदूर वही रुका हुआ है, उसकी आमदनी भी वही की वही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, नेता जी का घर भरता जा रहा है, वो तो सभी का भरेगा नेता जी का। चलिए ठीक है, तो आपने बताया कि विकास जो है दरअसल जो विकास की बात होती है वो विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास दरअसल नेता जी का हो रहा है, जनता तो वही की वही है, तो ये सब हमने जानने की कोशिश करी थी, जो विकास की बात की जाती है वो विकास दरअसल है क्या, तो आखिर में ये निकल कर सामने आया कि विकास है तो सबको यूँ नहीं दिखता कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है उन्हीं के साथ जो विकास की बात है, नेता जी फिलहाल नेता ही। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद यही है कि जनता की आवाज़ हम उठाएं,
लेकिन आज एक सवाल जनता पर भी उठता है। असल में जब रैलियां होती हैं तो रैलियों में भीड़ दिखाई देती है हजारों की संख्या में, और ये आरोप लगता है कि ये 500 हजार रुपए लेकर ये भीड़ जुटाई गई है। तो सोचिए, ये 500 हजार रुपए लेकर वो नेता क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? वो 500 हजार रुपए देकर, वो भीड़ जुटाकर ये दिखाना चाहता है कि देखिए मेरे साथ कितने लोगों का समर्थन है, और इस 500 हजार रुपए के चक्कर में आप अपने देश का सौदा कर देते हैं, कहीं आप अपने भविष्य का सौदा कर देते हैं। तो आप अपने जमीर से पूछिएगा, कहीं इन चंद पैसों के लिए आपने अपने देश का सौदा तो नहीं कर दिया? कहीं आपने अपने देश को गलत हाथों में तो नहीं दे दिया? तो इसी तरह के प्रोग्राम हम किस्सा कुर्सी का, माहौल गर्म है, हमारे खास शो पूछता है उत्तराखंड और मुद्दा आपका जैसे प्रोग्रामों में हम सीधे जनता के सवाल पूछने का मौका देते हैं। हम आपके ही बात नेताओं से पूछते हैं। देखिए किस तरह से जन प्रतिनिधियों से उनके ही सामने सवाल करते हैं। आप घोषणाओं की याद आपको अब आई, कॉलेज आपको अब दिखा, स्कूल अब दिख रहे हैं, क्यों लास्ट में क्यों? आप खाली भगवा कपड़े पहनने से हिंदू नहीं बनोगे, मेरे से बड़े हिंदू आप नहीं हो सकते। नहीं, मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना के दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस देश में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, इसका ध्यान रखिएगा आप बात को। नॉलेज पूरी रखें, एक तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो हमारे नेता पढ़ाई कर लेते हैं ना, इससे बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। सर, क्या हमें रोजगार के लिए सिर्फ इलेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा? जब इलेक्शन होंगे तभी सरकारी भर्ती आएगी। फ्री बिजली, फ्री पानी, 5,000 रुपए। अगर हरिद्वार में 10,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, 100 रुपए लीटर तेल है, क्या 10,000 रुपए में पूरा हो जाएगा? ये दर दिख रहा है। आप ही की सरकार में चूड़ियां भी भेजी गई थी, मोटरसाइकिल को रिक्शे के ऊपर भी रखा गया था, रसोई गैस को भी, सिलेंडर को भी कंधे में लेके घूमे थे। आज इतना आप बदलाव देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। मार्केटिंग की कमी लग रही है मुझे, फिर लोगों तक योजना आपकी पहुंच नहीं पा रही। पूरे भारत वर्ष की जितनी विधानसभाएं हैं वहां से आप नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ाइए, भाई क्षेत्रीय विधायक नाम की भी कोई चिड़िया होती है नहीं होती है? डीजल, पेट्रोल, ये महंगाई, बेरोजगारी, इन पे क्यों नहीं बात होती? ऋषिकेश विधानसभा में सोच रहा हूँ कि विकास जो भाजपा लोगों को दिखाते हो, खो कहाँ गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो मिल क्यों नहीं रहा? गाजी पे क्या वहाँ किया, यहाँ क्या, महिलाओं के लिए क्या किया गया? मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है, इसलिए विकास होता है। आप जो पुरानी आदत है वो भी बरकरार है, बीजेपी से लड़ने का मूड नहीं। प्रियंका गांधी जी के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ कि वो कांग्रेस की सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता है। वो भीड़ जुटाऊ नेता नहीं है, जनता की नेता है। हमें योगी नहीं चाहिए, योग मुख्यमंत्री चाहिए। काता यमुना को साफ करेंगे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और जब साफ सफाई की बात होती है तो एमसीडी के हाथों में, आपके हाथों में क्या है? तो तब होगी जब नौकरी होगी। बेरोजगारी चरम पर है, आप कहाँ लिस्टों की बात कर रहे हैं? आपके लिए कहा जाता है कि प्रदेश स्तर पर जब आपकी सरकार आती है तो गुंडागर्दी चरम पर हो जाती है, इसको कैसे काउंटर करेंगे? राम मंदिर, बड़ी बड़ी बातें, गुंडागर्दी हटा देंगे, ये सब हटा देंगे, आप बिल्कुल यंग कैसे खेलेंगे? हिंदू जो है वो दरअसल केंद्र बिंदु है, सबको हिंदू वोट चाहिए। हाँ, लखीमपुर खीरी में कुछ भी हुआ आप पहुंचे, ठीक है, सबसे पहले दौड़ भाग के सपा को पीछे कर दिया, आप सबसे पहले पहुंच गए। हाथरस पहुंचे, आगरा पहुंचे, हर जगह पहुंच रहे, कासगंज भी पहुंचने वाले होंगे। कल तो सुनो, बीजेपी नेताओं को सपने भी बड़े डरावने आते हैं लखीमपुर खीरी के नाम पर, कह रहे हैं कि सब कुछ तो रॉबर्ट वाड्रा को दे देते हैं। नहीं, ये तो अगर है तो सजा देती ईडी उनकी, सीबीआई उनकी है, जांच हुआ फिर भी कुछ नहीं। दिल्ली में 16% के आसपास, राजस्थान में 18%, हरियाणा में 20%, जम्मू कश्मीर में 21%, बिहार में 10%, त्रिपुरा में 15% के आसपास, झारखंड में 14% के आसपास, पौंडुचेरी में 11% के आसपास, ये बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं। सर, मैं जो पढ़ रहा हूं, जो नहीं पढ़े जाते मैं जानता हूं, ये लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं ये भी जानता हूं, ये उनके पास भी आंकड़े होंगे जो आंकड़े मेरे पास हैं। ये मुद्दा क्यों नहीं है? सर, सवाल पूछता हूं कुछ और, आप जवाब कुछ और देते हैं। मैं पूछता हूं इंडिया, आप कहते हैं इंग्लैंड। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से आप लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? चुनावी माहौल इतना गर्म है कि हर किसी को अपने सामने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है कि कैसे न कैसे ये कुर्सी मिल जाए। लेकिन एक बार फिर हम यही कहेंगे कि जनता के मुद्दे कहां हैं, क्योंकि जनता की बात कोई नहीं कर रहा है। कहने सुनने और चुनने को भी बहुत कुछ है, लेकिन अब इस समय में आपको ही सुनना है और आपको ही चुनना है। क्या आप सरकार देश निर्माण के लिए चुन रहे हैं या फिर नेताओं के निर्माण के लिए? और इस तरह से सरकारें आती जाती रहेंगी, आम जनता यूं ही भटकती रहेगी अगर सही चुनाव नहीं करोगे।
इसलिए आज ये सीधे सवाल हम उठा रहे हैं और आप जरा ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि आपको, क्योंकि अब आपके लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। ये मेरे साइड में एक नंबर, फोन नंबर चल रहा है जिस पर आप अपना टेक्स्ट मैसेज, अपना व्हाट्सएप मैसेज, सीधा जनता अपने विधायक से पूछ सकती है। तो इसमें आप अपनी लोकेशन, कहां से आप हो, आपकी क्या समस्याएं हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से सीधा सवाल कर सकते हैं। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके सीधे सवालों को उनसे पूछेंगे। तो आज ये प्रोग्राम मैं इन्हीं कुछ सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं कि क्या आप सही चुनाव करेंगे, देश निर्माण की बात करेंगे। अगर देश का विकास होगा तो स्वाभाविक है, हमारा विकास तो निश्चित ही है। तो अपने सुझाव, अपने सलाह बताते रहिएगा और इस तरह बेबाकी से हम आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।